श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आज आप सबके सामने निराकार प्रभु के विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। निराकार है क्या? ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकार निराकार ओंकार मूरम तुरीरम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकालम काल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये आप सबको बताते हैं निराकार क्या है, निराकार शब्द और निराकार में क्या अंतर है, निराकार शब्द और निराकार में क्या अंतर है। निराकार इस शब्द का अर्थ ही है नीर यानी जल, पानी, पानी के आकार का। हमारे निराकार का मतलब ये है पानी के आकार का। पानी जल को किसी के भी साथ आप मिलान करिए मिलवाइए उसी के साथ ढल जाता है। ये जल की अपनी प्रवृत्ति है कि वो अपने को उसी के चाहे लाल हो काला हो पीला हो नीला हो हरा हो जिसके साथ आप मिलाओगे उसके साथ मेल कर जाता है, अपने अपनी पहचान भूल जाता है। निराकार का मतलब है ये अपनी पहचान वो भूल जाता है, वो तुम्हारे साथ ही जैसे तुम हो तुम्हारे साथ रह जाता है। एक तो ये है निराकार यानी पानी के आकार का। साथ में निराकार का मतलब ही है जल से उत्पत्ति होना और जल में ही समा जाना। पूरी सृष्टि का जो उत्पत्ति हुआ है वो जल से ही हुआ है और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जल में ही समाहित हो जाएगा। ये निराकार है। और इसके बाद एक निराकार और है जिसका मतलब है कि जिसके आकारों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, अनेकों समूहों में जो भ्रमण कर रहा है वो निराकार है। जिसके आप पहचान नहीं कर सकते, जिसमें देखोगे उसमें भी निराकार है। आकारों के उसकी गणना नहीं करी जा सकती उसको निराकार कहते हैं। निराकार यही है जल की तरह रहना, वो निराकार है।